ईरान में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन सेहत और सुरक्षा के उपाय तलाशने की जगह रूहानी जंग का माहौल बना रहे हैं। रूहानी ईरान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की रणनीति बनाने के बजाय सऊदी की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला बोला गया। ऑयल टर्मिनल में लगी ये आग ऐसी चिंगारी साबित हो सकती है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस जाए। सऊदी अरब के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। लगातार तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये हमले हूती विद्रोही कर रहे हैं जिन्हें ईरान अपने हथियारों से लगातार ताकतवर बना रहा है। यह अटैक ऐसे वक्त में किया गया जब यमन में रियाद के नेतृत्व वाले मिलिट्री इंटरवेंशन के 6 साल पूरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया गया जिसके बाद आग की लपटें उठने लगी। सऊदी अरब के जिजान प्रांत में इस हमले के बाद एक बार फिर सऊदी और ईरान के बीच टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सऊदी में जितने भी हमले हुए उसमें हूती विद्रोहियों का हाथ माना जा रहा है। ईरान की तरफ से हूती विद्रोहियों को किस कदर उकसाया जाता है इसका अंदाजा इससे हो जाता है कि हाल ही में रियाद ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया है, लेकिन शांति बहाली की कोशिशों के बावजूद हमले जारी हैं। अमेरिका भी दोनों पक्षों की सुलह कराने की कोशिश में है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने देना चाहता। एक हफ्ते पहले पिछले शुक्रवार को बिरियाद से हमले की खबर आई थी। ड्रोन अटैक से अरामको की एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई थी। हूती विद्रोहियों ने माना था कि उन्होंने ड्रोन से तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। हमले में 6 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सऊदी अरब में ऐसे हमलों से बचने के लिए रडार तैनात है। ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाली एंटी मिसाइल लगी है। फिर भी हूती विद्रोही लोकेशन बदल बदल कर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी महीने की 7 तारीख को सऊदी अरब की वायुसेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रित इलाकों में हवाई हमले किए थे, लेकिन हूती विद्रोहियों की हिम्मत लगातार बढ़ने के पीछे रूहानी का दिमाग है। रूहानी लगातार हूती विद्रोहियों को मिसाइलें और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। हूती विद्रोही इसके बदले सऊदी के ठिकानों को निशाना बनाकर रूहानी को खुश करते हैं। सऊदी अरब ने ब्रिटिश सेना से मदद ली है। ब्रिटिश सेना की 16वीं रेजिमेंट रॉयल आर्टिलरी के गनर को सऊदी अरब में तेल ठिकानों के करीब तैनात किया गया है। रूहानी सऊदी अरब को कमजोर करने के लिए लगातार उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने पर लगे हैं। ईरान चाहता है कि सऊदी को तेल के कारोबार में बड़ा घाटा हो। सऊदी पर लगातार अटैक का अंजाम बेहद घातक हो सकता है। ब्रिटिश आर्मी की मौजूदगी और अमेरिका से सऊदी के बेहतर संबंध की वजह से रूहानी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पिछले कई महीनों से ईरान सऊदी और इसराइल से दुश्मनी बढ़ा रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन फिलहाल ईरान को काबू करने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अगर रूहानी इसी तरह मनमानी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका इसराइल और सऊदी के साथ मिलकर ईरान को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।